दोस्तों आप सभी को पता है अभी जो 8-9 महीने पहले जो लॉकडाउन लगा था, लोगों को कितनी सारी तकलीफें हुई, कितना सारा प्रॉब्लम हुआ, सारा कोरोना की वजह से हुआ। बहुत सारे लोगों ने लापरवाही की थी, इस वजह से भी कोविड बढ़ गया था। तो सबको घर के अंदर कैद रहना पड़ा, मतलब बहुत सारे लोग थे जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको खाने के बांधे थे, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं थे, और पैसे थे तो पैसे थे लेकिन कुछ सामान नहीं मिल रहे थे, बाहर अलाउड नहीं था जाना। बहुत सारे लोग रात को खाते थे, पूरा दिन भर भूखे रहते थे, उसमें से मैं भी एक हूँ। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को दोबारा ना आने दो, दोबारा लॉकडाउन ना हो, दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो गरीब बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, मतलब जिंदा होंगे पर जिंदा लाश जैसे होंगे। तो कोशिश कीजिए कि दोबारा ऐसे दिन ना आए, और मेहरबानी करके आप सभी मास्क लगाइए, और दूसरों को भी कहिए मास्क लगाने के लिए, क्योंकि आप मास्क लगाओगे तो आपकी सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी है। आप मास्क लगाओ ना लगाओ इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मास्क लगाओगे इससे 10 लोगों को फर्क पड़ता है, 10 लोग आपको देख के खुश होंगे और वो भी लगाएंगे। तो मेहरबानी करके आप भी लगाइए और दूसरों को भी कहिए लगाने के लिए। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस टाइम पे कुछ भी गलती कर दी तो 100% लॉकडाउन होने वाला है। तो मेहरबानी करके आप मास्क लगाइए, अगर आप मास्क लगाते हो तो सरकार की नज़र में जाता है, और सरकार इस चीज़ को नोट कर रहा है कि कौन मास्क लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। तो आप मास्क लगाओगे सरकार की नज़र में जाएगा, और सरकार दोबारा लॉकडाउन नहीं होने देगी। लेकिन अगर लोगों ने वापस उसी तरह लापरवाही की तो 99% लॉकडाउन लगने वाला है, वापस गरीब फंसेंगे। तो गरीबों से भी मेरी खास गुजारिश है, मैं खुद एक गरीब हूँ, लेकिन गरीबों से खास गुजारिश है कि गरीब लोग ज़्यादा करके मास्क लगाए, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा रोड पे घूमते हैं। तो गरीबों से गुजारिश है कि वो मास्क लगाएं, और दूसरों को भी कहे लगाने के लिए, दोबारा ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए, तो हम सब बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। थैंक यू सो मच। और एक और चीज बताना चाहता हूँ आप सभी को, इस वीडियो को आप 3 लोगों में शेयर कीजिए, और 3 से कहिए और 3 में शेयर करने को। देखिए ये वीडियो 3 से 3 करोड़ तक हो जाएगा। आप जब तक शेयर करने को नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, इससे मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, खाली मुझे आपको एक छोटा सा मैसेज देना था, वो मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो मच। मैं खुद एक योगा ट्रेनर हूँ, इसके लिए मैंने आपको बोला कि ये चीज दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। तो मेहरबानी करके आप खुद मास्क लगाइए, दूसरों को भी कहिए दोबारा लॉकडाउन मुझे नहीं चाहिए, और आप सभी को भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।